मेरा नमस्कार तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि सेमेस्टर फोर में हिंदी ऑनर्स के लिए जो पूछे गए थे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारा सेमेस्टर फोर का पेपर नाइन पेपर एट कंप्लीट हो चुका है जो अपलोड हो चुका है अब आते हैं लास्ट पेपर कोर के पेपर टेन में ठीक तो पहले तो ये जान ले कि इनका फुल मार्क्स होता है एटीन मार्क्स का इनमें हमें जो समय मिलता है वो तीन घंटे की मिलती है तो खंडा में मेन प्रश्न पहला में, हम आते हैं। में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर ये चार क्वेश्चन होते हैं टोटल, उसमें से कितना दो के उद्भव और विकास पर प्रकाश ख हिंदी एकांकी एक की परिभाषा देते हुए इसके स्वरूप की विवेचना करें रेखा अथवा मम्मी ठोकरा एकांकी का मूल्यांकन करें डाले एकांकी की छोटी बहू का चरित्र चित्रण करें। अब खंड में में आते हैं। मिन प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे इनमें से मैं किसी दो का आंसर देना है और ये है एक क्वेश्चन दस मार्क्स का है तो मीन टोटल बीस मार्क्स का हुआ तो क नए मेहमान एकांकी की विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालें एकांकीकार विष्णु प्रभाकर का जीवन वृत्त संक्षेप में प्रस्तुत करें ग सूखी डाली शीर्षक एकांकी का मूल कथ्य क्या है प्रकाश डालें घट्राइक एकांकी की भाषा शैली पर प्रकाश डालें अंगा एकांकी के तत्वों पर प्रकाश डालें तो हमारा प्रश्न टू कंप्लीट होता है अब आते हैं खंड शाह में प्रश्न थ्री में ये दस क्वेश्चन है दस ऑब्जेक्टिव है ये एक क्वेश्चन टू मार्क्स मिलती है तो, तो टोटल ट्वेंटी मार्क्स की है ये क्वेश्चन तो आइए इसके क्वेश्चन के साथ आंसर भी जानते हैं क रेवती किस एकांकी की पात्र है मीन रेवती जो है वो किस एकांकी की मतलब नायिका जो बोल सकते हैं किस कहानी में इनका नाम है तो ये सॉरी एकांकी तो ये ताई एकांकी में ये पात्र है खा एकांक भुवनेश्वर की किसी एक एकांकी का नाम लिखें तो इनके जो एक एकांकी है अस्ट्राइक जिसके बारे में हमें इस सिलेबस में पढ़ना भी है और ग सुभाष चंद्र किस एकांकी के पात्र है तो सीमा रेखा एकांकी के सुभाष चंद्र पात्र है कविता तो कोमल हृदयों की चीज है या पंक्ति किस एकांकी की है तो यह जो पंक्ति है यह का तारक एकांकी की है अस्ट्राइक किस प्रकार के एकांकी है तो यह सामाजिक प्रकार के एकांकी है सीमा रेखा के एकांकी का नाम लिखे सीमा रेखा जो एकांकी लिखे वो किसने लिखे कौन से लेखक ने तो विष्णु प्रभाकर छाया किस एकांकी की पात्र है छाया जो की है किस एकांकी पात्र तो भोर के तारा का मम्मी ठोकरायन एकांकी है या नाटक तो एकांकी उदय शंकर भट्ट की किसी एक रचना का नाम लिखे उदय शंकर भट्ट एक लेखक है उनकी तरीके एक रचना का नाम लिखना है तो नए मेहमान जो इसमें हमें पढ़ना भी है इया विश्वनाथ किस एकांकी के पात्र है विश्वनाथ जो है वो किस एकांकी के पात्र है तो नए मेहमान है जो मेन यही होते हैं विश्वनाथ है, इनकी पत्नी रेवती तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो हमारा ऑनर्स पेपर तीनों कंप्लीट हो चुकी है अब मैं सिलेबस की एक एक वीडियो डालूंगी एकांकी नाटक कहानी आप और जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और हमें उम्मीद देते रहिए धन्यवाद